हाय फ्रेंड्स, आपका अपना परिवार मस्त क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 13.4 का पहला क्वेश्चन का सलूशन कर रहा हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल मस्त क्लासेस पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें शंकु के छिन्नक से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ना है। देखिए, छिन्नक जो होता है उसमें दोनों तरफ साइड में वृत्त होता है ना, इस तरह से छिन्नक का आकृति होता है। इसी से रिलेटेड हमें क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है ना। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चंस में क्या लिखा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। लिखा है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 cm ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 cm और 2 cm है, तो इस गिलास की धारिता ज्ञात करें। धारिता का मतलब आयतन ज्ञात करना। तो देखिए, गिलास का जो फिगर होता है इस तरह का होता है, ये गिलास हो गया, ठीक है। इसकी दोनों सिरों का व्यास दिया है, एक देखिए बड़ा है यहाँ पे और एक छोटा वाला ये व्यास। तो D1 दिया है 14 cm और D2 दिया है, नहीं ये 14 जो है ऊंचाई है ना, यहाँ पे ये नहीं है, एक है 4 cm, यहाँ 4 लिख लीजिए, ये 4 cm होगा और दूसरा जो है 2 cm। और इसकी हाइट जो है h, वो दिया है 14 cm। हमें धारिता ज्ञात करना है। धारिता का मतलब होता है आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो R1 बराबर हो जाएगा D1/2 होगा ना, तो 4/2, तो ये हो जाएगा 2 cm। R2 बराबर D2/2 तो हो जाएगा 2/2, तो 1 cm, ठीक है। अब देखिए धारिता, धारिता यानी कि आयतन, तो इसका सूत्र होता है π/3 R1² + R2² + R1R2, हो गया। आइए मान पुट करते हैं। 22/7, आर का मान एच गिवेन है 14 रख दिया और नीचे में 3, ये वाला 3 है। R1² तो R1 जो है 2 2² फिर R2² R2 1 है तो 1² R1 R2 2 × 1, तो 22/7 × 14/3, यहाँ पे 2² 4, 1² 1 और 2 × 1 = 2, तो 22/7 14/3 और 4 × 5 = 2 मिलकर हो गया 7। 7 से 7 को कटा लिया, अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 14 × 2 = 28 और 14 × 2 = 28 और दो हासिल 308/3 cm³। यही जो है गिलास की धारिता है, तो इसलिए लिख लेंगे गिलास की धारिता बराबर 308/3 cm³। ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।